नमस्कार आदाब, मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। ये है हमारा मुरुड। हमारा मुरुड पहले बीच के लिए और पानी के अंदर बने किले के लिए बहुत फेमस था। हाँ, लेकिन कुछ टाइम से इस जगह के लिए भी बहुत फेमस हो गया है। ये वही जगह है जहां उस लाल दुपट्टे वाली औरत का मर्डर हुआ था। बहुत ट्रेजिक स्टोरी है उस औरत की। उसकी कहानी सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। कहते हैं यहां किसी के इंतजार में वो औरत फोटो निकाल रही थी और फिर वो आया जिसका वो औरत इंतजार कर रही थी। आज भी उसकी चीखें इन्हीं हवाओं में गूंज रही है। सुनाई दी? हाँ दी दी सुनाई दी? नो, दिस डजंट मेक एनी सेंस। क्यों फेंक रहे हो? इस तरह की तो कोई आवाजें नहीं सुनाई दे रही। सुनाई देगी साहब, सुनाई देगी। थोड़ा फील करेंगे ना तो सुनाई देगी। ये हमारे मनी साहब कभी झूठ नहीं बोलते, एकदम सच्ची घटना है ये। इधर आओ सर, इधर आओ। ये, ये, ये पेड़ देख रहे हो? बस इसी पेड़ पर उस औरत की लाश लटक रही थी। वो जगह और वो घटना जिसका जिक्र वो गाइड कर रहा था, वो उस क्षेत्र की एक चर्चित खबर थी। लोकल अखबारों में उसकी सुर्खियां भी छपी थी, जिसको कुछ लोकल गाइड टूरिस्ट को बड़ा चढ़ाकर बता रहे थे। लेकिन मामला संवेदनशील था। हमारे देश में जहां आए दिन रेप और मर्डर की घटनाएं होती रहती हैं, ऐसे में इन घटनाओं के क्राइम सीन को आवागमन और गाइडिंग का व्यवसाय बना देना सही नहीं था, इसलिए इस पर तुरंत रोक लगा दी गई। लेकिन जो हुआ था उसका असल सच क्या था? जो कुछ भी हुआ था वो महज 2 महीने पहले हुआ था, लेकिन वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसकी हकीकत वाकई हैरतअंगेज थी। गुड मॉर्निंग ना नमस्ते, बस आती काम की बात शुरू। गुड मॉर्निंग मैम। पहले गुड मॉर्निंग मैंने बोला ना। चलो जल्दी से बताओ नाश्ते में क्या लाए हो। मैम कुछ तो बात है आप में, इतना रिलैक्स कैसे रह लेते हो आप? अच्छा आपके पास तो कार है ना मैम, आप साइकिल से क्यों आते हो फिर? अरे भाई पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, लगता है कि जितना हो सके साइकिल से ट्रैवल करना चाहिए। और हमारे बैंक का क्या मैम, जो ऑलरेडी बैड डेब्ट से पोल्यूटेड है? आपको पता है हमारे लोन कस्टमर लोन नहीं चुका पा रहे हैं, एनपीआर इतना बढ़ गया है कि बैंक ऑलरेडी डूबने के कगार पे आ गया है। और हमारे एमडी फोन पे फोन करके पूछ रहे हैं कि डूबे हुए लोन की रिकवरी के लिए कर क्या रहे हो। आज मैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा सोल्यूशन देने वाली हूँ जिससे सिर्फ हमारी ब्रांच ही नहीं बल्कि पूरा बैंक हर मुसीबत से मुक्त हो जाएगा। ऐसा क्या सोल्यूशन है मैम जो बैंक डूबने से बच जाएगा? अचार। अच्छा कल ना पराठों के साथ अचार लाना मत भूलना, ओके? मैं हाथ धोकर आती हूँ। सर ये मेरी साली है राजेश्वरी सुड़े, ये यूनिटी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मैनेजर है। कल सुबह से ही राजेश्वरी का कुछ पता नहीं चल रहा सर। राजेश्वरी आपके साथ रहती है? नहीं सर, वो हमारे घर से थोड़ा दूर अकेले रहती है। कल सुबह वो हमारे घर आई थी मगर उसके बाद से वो। गुड मॉर्निंग जीजू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ताई। गुड मॉर्निंग। अरे वाह रजी, आजकल फिटनेस पे बहुत ध्यान दे रही है। पर फिट रहने से क्या होगा, उम्र थोड़ी कम हो जाएगी। 34 की हो गई है, पता नहीं शादी कब करेगी। ताई फिर से वही बात, ये सब छोड़ 500 रुपए दे। क्यों क्या हुआ? अरे वॉक पे निकली ना तो पर्स कैरी नहीं किया, अब सोचो जाते हुए फूड्स खरीद लो। वो रोजाना ऑफिस के बाद हमारे घर आती है और डिनर करके ही जाती है, लेकिन कल शाम को वो घर नहीं आई
और जब उसका फोन ट्राई किया तो उसका फोन भी बंद आ रहा है। हाँ सर, हमने कल बैंक में भी फोन करके पता किया था तो पता चला कि वो बैंक में भी नहीं आई थी और कल से ही उसके घर पे ताला भी लगा हुआ है। देखिए, ये भी तो हो सकता है कि राजेश्वरी आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ पे गई हो। आपने कुछ पता किया? सर, वो हमारे अलावा हमारी छोटी बहन के घर जाती है। मैंने उसको भी कॉल किया था पर वो वहाँ भी नहीं गई थी। हाँ योगिताई, माओ राजी तेरे यहाँ आई है क्या? नहीं तो क्या हुआ ताई, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? देखिए, राजेश्वरी एक वर्किंग वूमन है, ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से कहीं गई हो। पर सर, उसका फोन बंद आ रहा है। ठीक है, अभी आप थोड़ा वेट कीजिए, अगर कुछ नहीं पता चलता तो हम एक्शन लेते हैं। तुरंत इस केस को सुलझाने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने एक एसआईटी गठित की। सर, कुछ लोकल मछुआरों ने सबसे पहले लाश को लटके हुए देखा था, काफी ब्रूटल मर्डर है। आइए सर, ये देखिए सर। इस लड़की का रेप वहाँ ऊपर खंडर में किया गया होगा जहाँ पर हमें खून के धब्बे। और ये देखो, इस लड़की को यहाँ से ये घसीटते हुए यहाँ तक लाया गया और फिर इसको ऊपर टांग दिया गया पेड़ से। रेप बहुत ही ब्रूटल है, ये किसी एक आदमी का काम नहीं लगता, एक से ज़्यादा लोग रहे होंगे। और जो लड़की की हालत है उससे तो यही लग रहा है कि कातिल बहुत ही बेखौफ होंगे। राइट सर। सर सर, ऊपर जो एक कैमरा मिला इसके अंदर कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये देखिए। खंडर की फोटोग्राफ्स हैं, आसपास के इलाके की फोटोग्राफ्स हैं। हो सकता है ये लड़की कोई टूरिस्ट हो। यहाँ पर जितने भी गाइड्स हैं सबसे बात करो और आसपास की शॉप होटल्स इनमें भी पता करो, हो सकता है इस लड़की के बारे में कुछ पता चल जाए। सर, इस लड़की की पॉकेट्स में कुछ नहीं मिला, सिर्फ ये लोटस पार्किंग की रसीद मिली राजापुरी की। सर, कार का नंबर लिखा है लेकिन पूरा नहीं लिखा है। कार का नंबर है 3715, 9 फरवरी की, 2 दिन पहले की, लोटस पार्किंग। चलो लोटस पार्किंग चलते हैं। नमस्ते साहब, ये देखो साहब, जल्दी जल्दी मैं बस गाड़ी का आखिरी 4 नंबर लिखता हूँ और उनको रसीद दे देता हूँ, उसके बाद उसकी सारी डिटेल इस रजिस्टर में लिखता हूँ। मैं बताता हूँ साहब, XX3715 साहब, ये 9 फरवरी को यहाँ पे आई थी 2:15 पे। ये तो वही लड़की है जिसकी लाश मिली थी हमें। सर, ये गाड़ी कब लेके गई यहाँ से अपनी? साहब एक मिनट बताता हूँ साहब, लगभग 40 मिनट बाद 2:55 पे। अभिषेक सर, तुरंत पता करो ये गाड़ी किस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। सर, राजिताई ने हम बहनों के लिए इतने सेक्रीफाइसेस किए, मैं मान ही नहीं सकती कि वो हमें बिना बताए कहीं जा सकती। माऊ, जो सामने आ रहा है उसका कुछ तो मतलब होगा ना। तुम्हारे लिए इसका गलत मतलब भी होगा कुणाल, लेकिन इसके पीछे अगर तुम्हारा कोई गलत मकसद हुआ तो। किस मकसद की बात कर रही है आप ताई? तुम तो बात ही मत करो। मैं देखता हूं। अरे वाह, तू तो बहुत सी गाड़ी दौड़ाने लग गई। अरे अफसरों की गाड़ियां कब तक दौड़ाएगी? मैं क्रिमिनल्स दौड़ाती हूँ, अफसर की गाड़ी दौड़ाने के लिए पुलिस में भर्ती थोड़ी ना हुई थी। ठीक है मैडम, हम जानते हैं आपको खतरों से खेलने का शौक है, पर मेरे बारे में भी तो कुछ सोचो। तेरे बारे में ही तो सोच रही हूँ, इसीलिए तो तुझे ये टेम्पो लेकर दिया है। अच्छा, अब मुझ पे ध्यान देना बंद कर और कमाई पर ध्यान दे। चल मैं निकलती हूँ। ओके मैडम। सर, राजेश्वरी सुले मिसिंग केस 10 फरवरी को फाइल हुआ था, सुमन सर को फाइल देना। सर, तुम टेम्पो भी चला लेती हो? सर एक्चुअली वो टेम्पो मेरे हस्बैंड का है, लेट हो रही थी तो। महेश,
राजेश्वरी मर्डर केस में तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? सर, केस फाइल होने के ठीक बाद ही राजेश्वरी की छोटी बहन को उसका एक मैसेज आया था। सर, मैसेज में लिखा था कि राजेश्वरी मुंबई में है और कॉन्टैक्ट करेगी कुछ दिनों में। सर, लेकिन राजेश्वरी का फोन लगातार बंद आ रहा था। सिर्फ एक मैसेज करने के लिए वो अपना फोन ऑन करे, ये बात कुछ समझ में नहीं आई, इसलिए हमने उसे घर में भी छानबीन की। लेकिन उसे घर में भी कुछ सस्पिशियस मिला नहीं, और उसे घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने के बाद यही लगा कि वो अपनी मर्जी से कहीं गई थी। महेश, फिर आगे क्या किया तुमने? सर, वो क्या? वो मतलब आगे कुछ नहीं किया? ये आगे कुछ ना करने का रिजल्ट क्या हुआ मालूम है? राजेश्वरी की लाश मिली। अब यहां ये बंदी बंद करो और राजेश्वरी की फैमिली को बनाओ शराब के लिए। पुलिस उस एरिया के सेक्स ऑफेंडर्स को भी तलब कर रही थी और स्थानीय होटल्स, दुकानदार और टूरिस्ट गाइड से भी पूछताछ की जा रही थी। नहीं सर, ऐसी कोई भी टूरिस्ट को हमने नहीं देखा है। मैंने भी नहीं देखा इसको कहीं। सर, राजेश्वरी ताई के फोन से मुझे मैसेज आया था, लेकिन हमने उस मैसेज पे भरोसा नहीं किया। पर यहाँ की लोकल पुलिस ने भी राजेश्वरी ताई को ढूंढने में बिल्कुल कोशिश नहीं की। देखिए, इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। 9 फरवरी की सुबह जब राजेश्वरी घर से निकली, हमने तब की सीसीटीवी फुटेज चेक की और राजापुरी की पार्किंग से जब वो निकली तब की भी फुटेज देखी। राजेश्वरी काफी खुश लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे किससे मिलने जा रही हो। राजेश्वरी का कोई अफेयर, कोई बॉयफ्रेंड? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ऐसी बात होती तो वो हमें जरूर बताती। हम तो खुद उसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन राजेश्वरी खुद शादी नहीं करना चाहती थी। राजी, तूने माहू की तो शादी करवा दी, अब तू अपनी शादी के बारे में भी तो सोच। तू कब शादी करेगी? राजी ताई को अपने बारे में सोचने की फुर्सत कहाँ है? हमें इनके लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा। प्लीज, मुझे ना तुम दोनों की तरह ये घर गृहस्थी के झंझट में बिल्कुल नहीं फंसना। अच्छा जी, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि हमने शादी कर ली और घर गृहस्थी के झंझट में फंस गए? और नहीं तो क्या? नहीं तो। अरे काय मस्त दिसता है तिघी, ट्रेन चा भोगी सर का। पर एक सेकंड, मालिश नहीं, एक दूसरे को गुदगुली कर। क्या? अरे मस्त फोटो आएगा, बगा बगा इकड़े। अच्छा, अगर हम मान लें जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं कि वो मैसेज राजेश्वरी ने नहीं भेजा होगा, तो फिर किसने भेजा होगा? आप लोगों को शक है किसी पर? सर, उसका तो कोई पता नहीं, लेकिन राजेश्वरी के गायब होने के बाद उसका एक कलीग यहाँ आया था। देखिए, राजेश्वरी मैम ने सिर्फ आप लोगों को हैरान नहीं किया, उनके फैसले से पूरा बैंक हैरान है। बैंक हैरान था मतलब? जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, MD सर को रेजिग्नेशन भी मेल कर दिया था उन्होंने। राजेश्वरी उस बैंक में 10 साल से थी, हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो ऐसे रिजाइन कर देगी। नहीं मैडम, मैं इस बार नहीं कर पाऊंगी। देखो कविता, तुम इस तरीके से पीछे नहीं हट सकती हो, और तुम ही कहती हो ना कि तुम्हें मेरी तरह कामयाब बनना है, तो मेरी तरह सोचना भी पड़ेगा। ये रखो रखो, और हाँ, आइंदा अगर ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप गलत समझ रहे हैं सर, राजेश्वरी मैम के गायब होने से पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया था, 8 फरवरी की शाम को। उस दिन वो ऑफिस में तो थी, खुशी खुशी मुझे सी ऑफ करके गई थी। मैम, कल के ब्रेकफास्ट का मेन्यू ना मैं आपको रात को मैसेज कर दूंगा, आप ना प्रूव कर देना। ठीक है, जो भी है, बस अचार मत भूलना। अचार? राइट, अचार जरूर लेके आऊंगा। तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला सर, और फिर अगले दिन वो ऑफिस ही नहीं आई, और तब मुझे हमारे MD ने फोन करके बोला कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो अगर राजेश्वरी ने रिजाइन किया है तो रिजाइन करने की वजह क्या होगी? वर्क प्रेशर सर, हमारे बैंक की हालत बहुत ख़राब है सर। कुल मिला के 118 करोड़ रुपए का लोन है जो हम रिकवर नहीं कर पा रहे, और हमारा MD रोज़ फ़ोन करके हमें सिंकर्स पे सिंकर्स भेजता है सर। तो इन डूबे हुए लोन्स के लिए राजेश्वरी कैसे रिस्पॉन्सिबल होगी? सर, अकाउंटेबिलिटी तो ब्रांच मैनेजर की ही होती है, लेकिन मुझे उनके मर्डर के बारे में सुन के ऐसा लग रहा है कि उनके साथ भी चीटिंग हुई है। चीटिंग? कैसी चीटिंग?
सर रजिस्ट्री मैम के रिजाइन से पहले उनका अकाउंट बैंक बिल्कुल खाली हो गया था। जिस अकाउंट में 2 महीने पहले तक 45 लाख रुपए था, अब 45 रुपए भी नहीं है। राजेश्वरी के अकाउंट में 45 लाख रुपए थे? जी सर, 40 लाख रुपए का उन्होंने मॉर्गेज लोन लिया था। सर राजेश्वरी के साथ जो भी हुआ ये हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग था सर। शॉकिंग तो ये भी था कि रिजाइन देते ही उसका मर्डर हो गया। आई होप इसके तार आपके मैनेजमेंट से ना जुड़े हो। सर ये महज एक इत्तेफाक है सर। इत्तेफाक तो ये भी है कि जो मैनेजर पिछले 10 साल से बैंक में काम कर रही थी वो अचानक से रिजाइन कर देती है। सर शायद वो मेरी बात से हर्ट हो गई थी। सर मैंने उसे हमारे ब्रांच के लोन डिफॉल्टर्स की रिकवरी के लिए सजेशंस मांगे थे, पर उसने जो भी सजेशंस दिए बहुत बकवास थे। हेलो राजेश्वरी, ये क्या ईमेल्स भेज रही हो तुम? एक तो तुम लेट रिप्लाई करती हो, ऊपर से ये फालतू सजेशंस लिखकर भेजती हो मुझे। नहीं सर, मेरा सजेशन फालतू का नहीं है। हम सबको ही अपनी यूनिटी बैंक की इमेज बचानी है सर, इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने बैंक का नाम बदल करना स्वराज बैंक रख देना चाहिए। इससे हमारे शेयर होल्डर्स भी बढ़ेंगे और हमारे अकाउंट होल्डर्स भी। व्हाट रबिश, बैंक का नाम चेंज करने में कितना खर्चा है इसका अंदाजा भी है तुम्हें? तुम्हारे ये बकवास आइडियाज अपने पास रखो, यू अंडरस्टैंड दैट? और सर फिर उसने अचानक से रेजिग्नेशन मेल कर दिया। मेल में उसने क्या लिखा दिखाएंगे? हाँ सर, उसमें लिखा था कि बैंक उसके सजेशंस नहीं मान रही इसलिए वो रिजाइन कर रही है। राजेश्वरी के रेजिग्नेशन मेल का कंटेंट उसके एटीट्यूड का एक अनोखा पहलू रख रहा था, लेकिन ये मेल, ये मैसेजेस राजेश्वरी ने ही भेजे हैं इसकी जांच हो रही थी। और पिछले 2 महीने में राजेश्वरी अपने अकाउंट से 45 लाख रुपए निकाल चुकी थी। और चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस घर को गिरवी रखकर राजेश्वरी ने 40 लाख का लोन लिया था वो घर राजेश्वरी और उसकी बहन दोनों की पैतृक संपत्ति थी, लेकिन मौजूदा वक्त में वो घर राजेश्वरी के नाम था, जो इस केस में जायदाद में विवाद होने का अंदेशा भी दे रहा था। नहीं सर, हम बहनों के बीच में कभी कोई विवाद नहीं था। तो घर अकेले राजेश्वरी के नाम कैसे हुआ? क्योंकि राजेश्वरी ताई ऐसा चाहती थी कि हम वो घर उनके नाम कर दें। ताई देख, मैं जानती हूँ कि उस घर पे तुम दोनों का बराबर का हिस्सा है, पर अभी ना मैं तुम दोनों को 5-5 लाख रुपए दे रही हूँ। थोड़ा टाइम दो ताई, बाकी के पैसे भी दे दूंगी। बात पैसों की नहीं है राजी, लेकिन तुझे अचानक से घर अपने नाम क्यों चाहिए? वो कोई वजह है ताई, मैं अभी नहीं बता सकती। माझा पर विश्वास ठेवा। सर राजेश्वरी ताई ने बहुत कुछ किया हम बहनों के लिए। योगी ताई की शादी के बाद बाबा गुजर गए थे, उनकी शादी का बहुत कर्जा था, लेकिन राजेश्वरी ताई ने दिन रात एक करके वो सारा कर्जा चुकाया था। बचपन से ही मेरी छोटी बहन महेश्वरी का पैर खराब था, इसलिए खुद मजली राजेश्वरी ने शादी ना करके पहले महेश्वरी की शादी करवाई। उनकी बहुत एहसान है हम बहनों पर, इसलिए बिना कोई सवाल किए हमने वो घर उनके नाम कर दिया था। और सर बदले में राजेश्वरी हमको 5-5 लाख रुपए दे रही थी, लेकिन हमने उससे वो भी नहीं लिए। उसने घर अपने नाम करवाते 40 लाख रुपए का मॉर्गेज लोन लिया था, ऐसी क्या जरूरत आ गई थी जो अचानक से घर गिरवी रख दिया उसने? सर उसने घर गिरवी रखा था ये हमको नहीं पता है, और ऐसी तो कोई जरूरत नहीं थी राजेश्वरी को। सर हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि राजेश्वरी ताई ने घर गिरवी रखकर 40 लाख रुपए का लोन लिया होगा। पर सच है, पता क्या हमने, और राजेश्वरी ने अपने बैंक से तुम्हारे पति को 2 करोड़ का लोन दिलवाया था, और पिछले 6 महीने से उस लोन की एक भी ईएमआई नहीं भरी है तुमने। सर वो मेरा बिजनेस घाटे में जा रहा है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लोन रिपे नहीं करूंगा। सर कुणाल की तो नियत ही नहीं थी लोन चुकाने की, इसी बात पे राजेश्वरी थोड़ा उससे अपसेट रहती थी। सर तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से मेरी इमेज कितनी खराब हो रही है बैंक में? कोशिश कर रहा हूं ना। कोई कोशिश नहीं कर रहे हो तुम। देखो मैं बोल रही हूँ, अगर तुमने लोन पे नहीं किया ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाऊंगी तुम्हारे खिलाफ। और सर उस दिन के बाद से राजेश्वरी ने कुणाल से बात करना भी बंद कर दिया था। सर आप बेकार शक कर रहे हैं, इन सारी बातों का राजेश्वरी के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। सर क्या हुआ संतोष? सुमन कहाँ है सर? सुमन तो अभी तक नहीं आई जॉब पे। सर क्या बात कर रहे हैं, वो कल रात से नाइट ड्यूटी से घर नहीं पहुंची है। कल कोई नाइट ड्यूटी नहीं थी सुमन की, और रात को 10 बजे चली गई थी। ये तो कमाल ही हो गया सर, राजेश्वरी के केस ने हमारे सर की छत ही छीन ली। अभी कुछ दिन के लिए यहाँ खुले में काम करना पड़ेगा। कोई नहीं, खुले में दिमाग और काम करता है।
तो चाय नहीं रुकनी चाहिए। छोड़ो। चालीस लाख रुपए के लिए अपना मकान गिरवे रखना और गायब होने से पहले अपना बैंक अकाउंट खाली कर देना। और राजेश्वरी आखिरी बार जब अपनी बड़ी बहन से मिली थी तो 2000 रुपए उधार लेकर गई थी। ये सब छोड़, 500 रुपए दे। क्यों, क्या हुआ? अरे वॉक पे निकली ना तो पर्स कैरी नहीं किया, अब सोच रही जाते हुए फ्रूट्स खरीद लूं। 500 छुट्टे तो नहीं है, 2000। कोई बात नहीं जीजू, 2000 दे दो। उस वक्त तक उसका बैंक अकाउंट खाली हो चुका था। ऐसा लग रहा है जैसे उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा था। धीरे धीरे उसको कंगाल किया और उसके बाद रेप करके उसका मर्डर करके फेंक दिया उसको। और क्राइम ऐसी जगह पर गया कि जैसे लगे कि किन्हीं रैंडम ऑफेंडर्स का काम है। लेकिन सर, राजेश्वरी के कॉलेज कोर्स में कुछ भी शक करने जैसा मिल नहीं रहा है। राजेश्वरी की जिंदगी तो संदेहों से भरी पड़ी है। उसकी गाड़ी नहीं मिली अभी तक, उसकी गाड़ी ढूंढने पर जोर दो, शायद उस समय कोई लीड मिल जाए। और राजेश्वरी की दोनों बहनों और उसके दोनों जीजाओं को खंगालो। राजेश्वरी के घर की भी अच्छे से तलाशी लेनी होगी। सर, इंस्पेक्टर महेश की टीम की एसआई सुमन अचानक से कहीं गायब हो गई है सर। व्हाट? ये महेश और उसकी टीम ने राजेश्वरी को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, और अब जब से हम इस केस पर आए हैं उनकी टीम की एसआई सुमन गायब हो गई। माजरा क्या है ये? वॉचमैन दरवाजा खोलो, ब्रेक खत्म हुआ। वॉचमैन बंद करो उसको। गाइस हमारा ये लंच ब्रेक है ना, परमानेंट ब्रेक बन गया है। हमारा बैंक गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है। हमारे एटीएम, ऑनलाइन ट्रांसफर सब सीज हो चुके हैं। अभी हजार हजार रुपए निकालने के लिए बार हजारों की लाइन लगेगी, हमारी वाट लगने वाली है। ये केस कई उतार चढ़ाव देख रहा था और चौंकाने वाला पहलू एएसआई सुमन का गायब होना था। एसआईटी इस केस पर भी नजर बनाए हुए थी और राजेश्वरी से जुड़े लोगों पर भी नजर रखी जा रही थी। वहीं राजेश्वरी की कार के तलाश के साथ साथ उसके घर में भी उसके कातिल तक पहुंचने के सुराग ढूंढे जा रहे थे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को घुमाकर रख दिया। हाँ बोलो। राजेश्वरी की कार में एएसआई सुमन की लाश, लगता है सुमन के साथ भी ब्रूटल रेप किया गया। राजेश्वरी को रेप करके पेड़ से लटका दिया और अब राजेश्वरी की कार में हमें एएसआई सुमन की लाश मिलती है। अब तक हम ये मानकर चल रहे थे कि किलर ने ही राजेश्वरी की कार को गायब किया होगा, तो क्या जो राजेश्वरी का कातिल है उसी ने सुमन को भी? लेकिन सर, सुमन को गायब करने के पीछे इंस्पेक्टर महेश सुमन के पति पे शक जता रहा था। सर, सुमन ने संतोष से दूसरी शादी की थी क्योंकि संतोष सुमन का देवर है। एक मिनट, तुम्हें सुमन के पति संतोष पर शक क्यों है? क्योंकि सर, सुमन का पहला पति उसको बहुत मारता था, फिर वो उसको छोड़कर दुबई चला गया और उसके बाद संतोष ने सुमन से शादी कर ली। और अब जब संतोष भी सुमन के साथ मारपीट करने लगा तो सुमन बहुत परेशान थी। सर, संतोष की वजह से मैं काम पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ और उसको मेरा घर लेट आना पसंद नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं जॉब ही छोड़ दूँ। सर, मैंने उसके पति से बात करके उसको काफ़ी समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन अब जब सुमन की लाश मिली है तो मुझे पूरा यकीन है कि संतोष ने सुमन का कत्ल किया। मैं किसी राजेश्वरी को नहीं जानता था, मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ राजेश्वरी नहीं बल्कि तूने सुमन को भी रेप करके मार डाला। नहीं सर, मैं तो सुमन को प्यार करता था। प्यार नहीं करता था, मारपीट करता था उसके साथ। तो तेरा बड़ा भाई भी यही करता था ना? मैं अपने बड़े भाई जैसा नहीं था साहब, मैंने तो सुमन को चल्ला से बचाया था। उन्होंने सुमन की जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी बिल्कुल नरक की तरह। ऊपर से उसको छोड़ के दुबई चला गया, उधर उसने दूसरी शादी बना ली। सुमन के तो माँ बाप भी नहीं थे साहब, मुझे सुमन से हमदर्दी थी इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। शादी के बाद मैंने उसका पढ़ाई भी पूरा कराया, फिर वो पुलिस में भर्ती हो गई। सुमन खुद बोलती थी कि मैंने उसकी जिंदगी बनाई, अब भला मैं उसकी जिंदगी काय को चीनूंगा साहब। उल्टा वो सब इंस्पेक्टर महेश ने मेरी सुमन को मुझसे छीना है। ये सब इंस्पेक्टर महेश ने? हाँ सर, वो आए दिन सुमन को अपने घर ले जाता था रात को। वो बेचारी मुझे बता भी नहीं पाती थी साहब, पर मैंने बाद में पता कर लिया। कहाँ थी तू? कहाँ थी मतलब, जॉब से आ रही हूँ। अच्छा, झूठ बोल रही मुझसे? हाँ, मैंने तुझे उस सब इंस्पेक्टर के साथ जाते हुए देख लिया था। तेरा चक्कर चल रहा ना उसके साथ?
तुम गलत समझ रहे हो संतोष। अच्छा तो क्या काम था इतनी रात को वहां पर? हाँ क्या बताऊं संतोष, वो कमीना मेरे साथ जबरदस्ती कहता है कि उसकी बात नहीं मानूंगी तो सस्पेंड कर देगा मुझे। मेरा काम छूट गया था साहब, सुमन ने मेरे को टेम्पो लेके दिया कर्जा लेके, पर मेरे को नहीं मालूम था साहब कि वो घर चलाने के लिए उसकी जुर्म सह रही थी। देखिए सर, मैं मानता हूँ कि सुमन और मैं एक कलीग से कुछ ज्यादा ही थे। दरअसल बात यह है कि सुमन अपने पति से काफी तंग आ गई थी और यही कारण है कि हम दोनों करीब आ गए थे। सर सुमन मेरे साथ रिलेशन भी बना रही थी पर अपने पति को भी नहीं छोड़ रही थी, इसलिए तुमने उसको? नहीं सर, सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जरा आप खुद सोचिए ना, अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं सुमन की बॉडी को राजेश्वरी की गाड़ी में डंप क्यों करता? मुझे फंसाया जा रहा है सर, मैं बेकसूर हूँ और यही सच है। वाह क्या बात है, मेरी और राजेश्वरी की अनबन को बढ़ा चढ़ाकर आप लोगों ने मुझे अंदर करवाने की पूरी कोशिश कर डाली। तू अपनी बीवी का मुंह बंद करवा सकता है लेकिन हम क्यों चुप रहते? जो सच था बोल दिया। आप लोगों ने अखबार नहीं पढ़ा? राजेश्वरी की गाड़ी में एक पुलिस वाली की हत्या हुई है। अच्छा मतलब उसके साथ भी तेरा चक्कर था? क्या बकवास कर रहे हो दादा, मैं अच्छी तरह समझता हूँ तुम क्या खेल खेल रहे हो। मुझे अंदर करवा के मेरी बीवी को बहका दोगे और वो पुश्तैनी घर खुद हत्या लोगे। अभी निकल यहाँ से, बहुत हो गया तेरा, चल निकल यहाँ से। राजेश्वरी और सुमन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफी समानताएं हैं। राजेश्वरी की लाश लाल दुपट्टे से लटकी हुई मिली थी और सुमन के गले के स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स में लाल धागे के ट्रेसेस मिले। लेकिन सर सुमन मर्डर की क्राइम लोकेशन पे हमें कोई लाल कपड़ा नहीं मिला है। आखिर क्लर्क के दिमाग में चल क्या रहा था जो उसने इस तरह से? सुमन के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए मैंने सर, उसके कॉल रिकॉर्ड्स में इस कविता का नंबर मिला है। सुनीता के मर्डर वाले दिन से ही कविता का फोन स्विच ऑफ है और ये नंबर राजापुरी के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। राजापुरी? मर्डर वाले दिन राजेश्वरी को राजापुरी की पार्किंग में देखा गया था उसकी कार के साथ। मुझे इस कविता की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर 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 राजेश्वरी के छोटे जीजा कुणाल का इस यूसुफ के साथ कनेक्शन मिला है। यूसुफ शेख, ये तो बेटिंग माफिया है ना? जी सर। पर ये तो काफ़ी दिनों से अंडरग्राउंड था। एक और बात सर, सर पता चला है कि कुणाल राजेश्वरी को पहले से जानता था, कॉलेज में दोनों साथ ही पढ़ते थे। कविता यही रहती है? जी साहब, कविता मेरी छोटी बहन है। कहाँ है वो? साहब मुझे नहीं पता, मैं खुद परेशान हूँ उसके लिए, उसका फोन भी बंद आ रहा है साहब। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, एसआई लेडी सुमन का मर्डर हो गया और कविता सुमन को कॉल करती थी, अगर हमसे कुछ भी छुपाया ना तो? साहब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, बल्कि मैं ये भी बता देता हूँ जो कविता ने मुझे किसी को कहने मना किया था। क्या कहने से मना किया था? साहब वो कविता सुमन मैडम की खबरी है। क्या कविता सुमन की खबरी? जी साहब, एक बार कविता ने किसी चोर को एक औरत की चेन खींच के भागते हुए देखा था, कविता ने उसे पकड़ लिया, उसी दौरान सुमन मैडम की और कविता की मुलाकात हुई। बहुत बहादुरी का काम किया तुमने कविता, क्या करती हो? मैडम जी मैं काम ढूंढ रही हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई कम होने के कारण मुझे कहीं पर काम ही नहीं मिलता है। मेरे लिए काम करोगी? और तभी से कविता को सुमन मैडम ने अपनी खबरी बना लिया, ना सिर्फ खबरी, कविता की ओपन कॉलेज में एडमिशन भी करवाई सुमन मैडम ने। सर राजेश्वरी कॉलेज में मेरी सीनियर थी और मैं छोटे मोटे जॉब्स करने के बाद अपना बिजनेस करना चाहता था, बिजनेस लोन के लिए मैंने उसकी हेल्प लेनी चाहिए। कुणाल तुम्हारा क्रेडिट स्कोर बहुत खराब है, कोई भी बैंक तुम्हें बिजनेस लोन नहीं दे सकता, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। ठीक है चलो आई विल ट्राई समथिंग, पर अगर इसके बदले में मैं तुमसे कुछ मांगूं तो तुम मुझे दोगे? अरे आप बोल के तो देखिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार। कुणाल मैं तुम्हें बहुत सालों से जानती हूँ, आई नो तुम एक बहुत ही सरल और अच्छे लड़के हो। अच्छा मैंने सुना है कि तुम अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हो। हाँ पर दैट्स ग्रेट, मैं भी अपनी बहन महेश्वरी के लिए तुम्हारे जैसा लड़का ढूंढ रही हूँ, क्या तुम उससे शादी करोगे? और ये लोन तुम मुझ पर छोड़ दो, आई विल हैंडल इट। लेकिन उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी अपाहिज बहन से मेरी शादी करवाई, ऊपर से पैसे ना लौटाने की वजह से वो मुझे उल्टा सीधा सुनाती थी। इसलिए उससे पीछा छुड़ाने के लिए तूने यूसुफ शेख की मदद ली। ये तो बिल्कुल मत कहना कि तू यूसुफ को जानता नहीं है। सर मैं बेटिंग पे पैसे लगा देता, इसलिए मेरी यूसुफ शेख के साथ बोलचाल थी,
मैं क्या सर, राजेश्वरी भी यूसुफ शेख को जानती थी। राजेश्वरी यूसुफ को जानती थी? जी सर। सर राजेश्वरी भी बैटिंग पे पैसे लगाती थी। तेरे कहने का मतलब यह है कि राजेश्वरी को यूसुफ ने? राजेश्वरी ने अपना घर गिरवी रख के 40 लाख का लोन उठाया था। पक्का उसको यूसुफ को कोई मोटी रकम देनी थी, जिसका यूसुफ ने राजेश्वरी से बदला लिया। पुलिस तुरंत यूसुफ की तलाश में जुट गई, लेकिन एएसआई सुमन की खबरी कविता के गायब होने की पहेली इस केस को उलझा रही थी। पुलिस को कविता की कोई लीड नहीं मिल रही थी, लेकिन उनके खबरी नेटवर्क ने यूसुफ को ढूंढ निकाला। सब अपना तो बैटिंग का धंधा है साहब, और उसमें वो डराना धमकाना तो चलता ही रहता है साहब। मगर साहब यकीन मानिए, मैंने मर्डर किसी का नहीं करवाया। तो राजेश्वरी को धमका कर कितना पैसा लूटा तूने उससे? क्या बात कर रहे हो साहब, वो तो जीत रही थी साहब, पर उसने मुझे नहीं बल्कि मैंने उसको पैसा देना था। तो तूने राजेश्वरी के पैसे ना देकर उल्टा उसी का हिसाब चुकता कर दिया? सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। हाँ मैं मानता हूँ साहब कि उसका लक मेरा पूरा बैलेंस बिगाड़ रहा था साहब। उसके सितारे बहुत सॉलिड काम कर रहे थे, और सर आप जानते हैं पिछले कुछ टाइम से वो बड़े ही अटपटे से नंबर पे पैसा लगा रही थी साहब। नहीं नहीं कहा ना 1,23,373 ही लगाना है, मेरा लक चलेगा इस रकम के नंबर से। सब वो मुझसे 10-10 गुना ज्यादा पैसा बना रही थी, और साहब सच बोल रहा हूँ मुझे भनक भी नहीं है कि वो उसके पैसे पर कौन नजर गड़ा के बैठा था। सर अगर यूसुफ की बात सही है तो इस लकी नंबर का कनेक्शन न्यूमरोलॉजी से हो सकता है। इस बात को एक बार और कंफर्म करते हैं सर। राजेश्वरी 2 महीने पहले तक अपने नाम की स्पेलिंग में W की जगह V इस्तेमाल कर रही थी। उसने अपने बैंक अकाउंट में भी ये करेक्शन की थी। तो यूनिटी बैंक का नाम बदलकर स्वराज बैंक रखने का सजेशन उसका न्यूमरोलॉजी से जुड़ा था। विजय, राजेश्वरी के घर में मैंने एक न्यूमरोलॉजी की किताब देखी थी, वो किताब मंगवाओ, शायद उससे हमें कुछ मिल जाए। सर। अगर काय केलं सुये, मी इथं लोकांचं नशीब लिहितोय, अब तूने उसमें पानी फेर दिया। ज्योतिका बासु ऑथर, इस ऑथर का ईमेल आईडी यहाँ पर सर्कल किया हुआ है, शायद राजेश्वरी से कंसल्ट करती होगी। ज्योतिका बासु के बारे में सब कुछ पता करो। सर। एक तरफ पुलिस ज्योतिका बासु नाम की एक न्यूमरोलॉजिस्ट का पता कर रही थी, और वहीं दूसरी तरफ उनके इलाके में एक मेल न्यूमरोलॉजिस्ट मुरली प्रसाद की लाश मिली। मुरुड़ में हुई ये तीसरी हत्या थी। पुलिस ने मुरली की बीवी कुसुम से भी पूछताछ की, लेकिन उन्हें मुरली का सुमन और राजेश्वरी से कोई कनेक्शन नहीं मिला। वहीं कविता की तलाश में पुलिस मनोहर पर नजर रख रही थी, और तभी इस केस में एक नया घुमाव आया। सर इस किताब के ऑथर ज्योतिका बासु का तो 3 साल पहले देहांत हो गया था, और ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है जिससे लगे कि न्यूमरोलॉजी का इस मर्डर से कोई कनेक्शन हो सकता है। सर आपके नाम ये लेटर आया है, लेकिन भेजने वाले ने इस पे अपना नाम नहीं लिखा। चौकी मत, मैं ज्योतिका बसु, राजेश्वरी सुमन और मुरली की पुंगी मैंने ही बजाई, और 3 मार्च को आपके मुरुड़ में एक और शहनाई बजाने वाली हूँ। रोक सको तो रोक लो। लेकिन सर ये ज्योतिका बासु कैसे हो सकती है? कहीं ये कविता तो नहीं जो हमें चैलेंज दे रही है? अगर ये कविता है तो इसके साथ कोई मर्द भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि दो दो औरतों का रेप हुआ है। हम इसके चैलेंज को लाइटली नहीं ले सकते। अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर दो, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मूव। हेलो, देखना कोई डेड बॉडी के पास ना आए। आइए सर। सर ये देखिए, एक और डेड बॉडी मिली है। ये चौथी हत्या किसी साइको सीरियल किलर का इंडिकेशन दे रही थी। पुलिस मान रही थी कि उस पेन ड्राइव से भेजी गई चेतावनी कविता की रिकॉर्डेड वॉइस होगी, लेकिन वो कविता की आवाज नहीं थी। कविता के गायब होने के रहस्य और भी गहरे होते जा रहे थे, और वो धमकी भरी ऑडियो क्लिप भेजने वाले के बारे में भी कोई लीड नहीं मिल रही थी। मीडिया पुलिस की निंदा कर रही थी और हत्याओं की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर छाप रही थी, जिसका नतीजा ये था कि मुरूर में आने वाले सैलानी भी क्राइम सीन देखने जाने लगे, जिसने पुलिस की मुसीबतें और बढ़ा दी। उसी लाल दुपट्टे से उस औरत की लाश यहाँ पर झूल रही थी। पुलिस को भी कुछ पता नहीं चला। चल रहा है? हाँ, लेकिन जब चल रही थी। आओ कहने साहब, और टूरिस्ट लोग का जरा ये लोकेशन जगह दिखने का था ना। तू कुछ भी बोल के इनको घुमाएगा? ज्यादा शाड़ा बन रहा है।
देख तेरा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा मैं। आओ आई कैन सेव मी का मिनट। चल ए उसको ले आप लोग भी चलिए। अब इस मर्डर की कहानी ना पुलिस स्टेशन में बताना समझा। चल गाइस साहब हम लोग किधर कुछ बोलते हो तो अखबार में छप के आता है। पुलिस लोग इधर आने का जिद करता है, इसके लिए करना पेट के लिए करना पड़ता है साहब। साहब साहब जाने दीजिए ना साहब, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी साहब, जाने दीजिए। हो साहब छोड़ो यार, बगा आता छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम ना चलना। आओ चल। हाँ बोलो। सर सर एक मछुआरे ने इस लड़की की लाश देखी थी, हमने लाश के आसपास सर्च किया तो एक कविता की आईडी मिली। लाश का चेहरा पहचानना काफी मुश्किल है सर, कहीं ये कविता की कोई नई चाल तो नहीं? अगर कविता जिंदा है तो अभी तक मिली क्यों नहीं? और अगर ये कविता नहीं है तो फिर किस लड़की की लाश? चल चल बोल। मैं सच बोल रहा हूँ, कविता कहाँ है मुझे नहीं मालूम साहब। मालूम नहीं है या तू भी उसके साथ मिलके कांड कर रहा है? बोल। अरे आई शपथ सांतो साहब, कविता कहाँ है नहीं मालूम मुझे। राजेश्वरी की लाश हमें लाल दुपट्टे से लटकी हुई मिली थी, इस केस का इस लाल रंग से जरूर कोई गहरा रिश्ता है। अभी तक हम ये भी पता नहीं लगा पाए हैं कि पेन ड्राइव में किसकी आवाज थी, वो जरूर विक्टिम्स की किसी जान पहचान वाली औरत की होगी। एक काम करो, विक्टिम्स की जान पहचान में जितनी भी औरतें हैं सबका वॉइस सैंपल लो और पेन ड्राइव में जो आवाज है उसके साथ मैच करो। ज्योतिका बसु, राजेश्वरी सुमन और मुरली की पुंगी मैंने ही बजाई। सब कुछ जांचने परखने के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पेन ड्राइव में तुम्हारी आवाज है। अब ये बोलो क्यों किया ये सब और कौन कौन लोग मिले हुए हैं तुम्हारे साथ? कुसुम जैसी अबला को नहीं मारता मैं साहब, उसकी तो मजबूरी ही मेरा मजा थी। ये राजेश्वरी कैसे मिली तुझे? साहब उसके बैंक में मिली थी। हेलो हाय, मैं आपका कस्टमर बैंक का, याद है आपको आपके अकाउंट खुलवाया था? अरे आप ठीक है ना? थैंक यू। हंसी तो फंसी, और साहब ऐसी फंसी ना कि मेरी हर बात मानने लगी, और उसे ना साहब मेरी न्यूमरोलॉजी बहुत पसंद थी, बड़ी इंप्रेस थी वो, और ये ज्ञान मैंने सीखा था कुसुम के पति से, और इसी विद्या से मैंने राजेश्वरी की किस्मत एकदम सेट कर दी। खेमो तुम्हारी प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट निकली, मैं सट्टे में 7 लाख रुपए जीती हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन मेरी बात मानो, अगर लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करना है ना तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ये जो तुम्हारे घर का हाउस नंबर है ना, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे लिए लकी नहीं है। मेरी बात मानो, ये घर बेच दो। मेरी हर बात मानने लगी थी वो, लेकिन साहब इस मंदी में उसका घर बिक नहीं रहा था, तो मेरे कहने पर उसने अपना पुश्तैनी घर अपने नाम पे करवा लिया और उसमें 40 लाख का मॉर्गेज लोन लिया। साहब वो ये चाहती थी कि वो उस पैसे से फ्लैट खरीदे, लेकिन मैं तो फ्लैट खरीदवाना नहीं चाहता था, मैं तो उस पैसे को उड़ाना चाहता था ना साहब। इसीलिए मैंने उसके दिमाग में भरा कि वो जिस बैंक में काम करती है ना, अगर उस बैंक का नाम बदलवा के काम करेगी ना तो बहुत फ़ायदा होगा। और तेरे कहते ही राजेश्वरी ने रिजाइन कर दिया, और फिर तूने राजेश्वरी को सारे पैसों के साथ मुरूड़ के उस खंडर में बुला लिया। फिर मैंने राजेश्वरी के मोबाइल से उसकी छोटी बहन महेश्वरी को मैसेज किया। आप लोग तो जी जान से केस में लगे हुए थे, पर मैं भी चौकन्ना था, और वो खबरी दुगनी चौकन्नी। मैंने देखा वो लड़की राजेश्वरी की कार का फोटो सबको दिखा रही, मुझे भी दिखाया। मैं अलर्ट हो गया, मैंने उसका पीछा किया, और मौका मिलते ही कविता का कॉल पाते ही सुमन राजेश्वरी की कार के पास आ गई, और जब उसे कविता नहीं मिली तो उसने कविता को फोन किया, और तब मैं वहां पहुंच गया। हेलो मैडम,
आपकी कविता तो अब रही नहीं। कौन कौन हो तुम? और आप भी अब कहीं की नहीं रहोगे। क्यों मार रहे थे औरतों को? साहब मुझे कामकाजी औरतें बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मेरी औरत वो भी जॉब करती थी साहब, और मुझे घमंड दिखाती थी। मैं ठहरा निकम्मा साहब, सबसे पहले मैंने उसका ही घमंड किया, उसको मार के गायब कर दिया। और फिर उसके बाद अंजलि, पुष्पा, मंजू, जाने कितनी आई साहब, सबको मार दिया मैंने। तूने अपने गुरु मुरली को क्यों मारा? आप लोग किलर की तलाश में किसी अंक ज्योतिष को ढूंढ रहे थे ना, तो आपकी तलाश को लाइलाज करने के लिए मैंने अपने ही गुरु को मार दिया। और फिर आप सबको गुमराह करने के लिए मैंने कुसुम को अपने इशारे पर नचाया। चौंकिए मत, मैं ज्योतिका बसु, राजेश्वरी, सुमन और मुरली की पुंगी मैंने ही बजाई। फिर वो पेन ड्राइव आप लोगों को पोस्ट कर दी, और आप लोग लगे पेन ड्राइव की गुत्थी सुलझाने, और इधर मैं कामकाजी औरतों को एक एक करके मारता गया। तू जो एक कामकाजी कर रहा है ना, अगर सारी कामकाजी औरतें अपना काम छोड़ दे तो तेरे जैसे जानवर आदमी को समझाने का क्या फायदा। अभिषेक अब जरा इसे अपना कामकाज दिखाओ। औरतों को लेकर खेमू की मानसिकता आज भी हमारे पुरुष प्रधान समाज की वास्तविकता है। खेमू एक ऐसा सिरफिरा था जो अपनी बीवी समेत 15 औरतों का शोषण करके उन्हें मौत के घाट उतार चुका था। खेमू की गिरफ्तारी से हत्या और रेप के कई अनसुलझे केस सुलझ गए जो काफी अरसे से बैकलॉग में थे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार और प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। ये जरूरी है कि हम उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का सही तरह से पालन करें, अफवाहों पर विश्वास न करें, डर का माहौल न बनने दें। हमें पूरा विश्वास है कि हम सब एक साथ मिलकर इस आपदा को जड़ से मिटाने में सफल होंगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।